वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन। यर्मया नबी का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 18 और उससे आगे, बुक ऑफ यर्मया चैप्टर 15 वर्ड्स 18 ऑनवर्ड्स। मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता, मेरा घाव क्यों नहीं भरता? तू मेरे लिए उस अविश्वसनीय नदी के सदृश है जिसमें सदा पानी नहीं रहता। इस पर प्रभु ने यह उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का उपयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। ये लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको इनके पास नहीं जाना पड़ेगा। मैं तुमको उस प्रजा के लिए कांसे की अजय दीवार बनाऊंगा, वे तुम पर आक्रमण करेंगे किंतु तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। मैं तुमको दुष्टों के हाथ से उग्र लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु का दास यर्मया प्रभु से बातें कर रहा है। यर्मया बीमार पड़ गया, उसका दुख इतना बढ़ गया कि अब वो ठीक होने को नाम नहीं लेता था। उसे समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मैं ठीक क्यों नहीं होता हूं, मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता है, मेरे काम क्यों नहीं बनते हैं, ये हमेशा बिगड़े हुए क्यों रहते हैं। उसे समझ में नहीं आता है और वो परमेश्वर से बातें करता है और इन्हीं बातों के दौरान वो उससे पूछता है कि हे प्रभु मुझे बता कि मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता। तो परमेश्वर उसे बताता है, ओ यर्मया, यदि तू अपने शब्दों को वापस लेगा तो मैं तुझ पर दया करूंगा, मैं तेरे होठों को शुद्ध करूंगा और तेरी जुबान पर अपने शब्दों को रख दूंगा, मैं तुझे अपना प्रवक्ता बनाऊंगा और यदि तुम उपयुक्त भाषा का उपयोग करोगे तब मैं तुम्हें अपनी वाणी सुनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो कहने का मतलब यह है, एक विश्वासी को जो प्रभु का अनुयायी है, जो उस पर भरोसा रखता है, प्रभु का दास, उसका भक्त, उसका जो प्रचार करने वाला व्यक्ति है, उसे हर वक्त उपयुक्त भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके मुख से अश्लील बातें, ढिठाई के शब्द नहीं निकलने चाहिए। जैसा कि संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए कहता, तुम्हारे मुख से ढिठाई के शब्द ना निकले, तुम्हारे मुख से अश्लील बातें शोभा नहीं देती, तुम्हारे मुख से बुराई ना निकले, तुम अपने होठों को बुराई ना बोलने दो,
और परमेश्वर भी अपने दास अपने चुने हुए नबी से यही कहता है। बात क्या थी? बात यूं थी कि नबी यर्मिया ये कहता है, पद संख्या 10 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ, हाय माता आपने मुझे जन्म क्यों दिया, धिक्कार मुझे क्योंकि सारा देश मुझसे लड़ता झगड़ता है। मैं ना तो किसी को उधार देता और ना किसी से उधार लेता हूं, फिर भी सब मुझे कोसते हैं। प्रभु कहता है मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे कल्याण का प्रबंध करूंगा, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि विपत्ति और कष्ट के समय तुम्हारे विरोधी तुम्हारी सहायता मांगेंगे। क्या कोई उत्तर का लोहा या कांसा तोड़ सकता है? यर्मिया इन बातों पर विश्वास करने में असमर्थ था, वो ईश्वर की बातों को विश्वास करने में असमर्थ था। हालांकि परमेश्वर उससे वादा करता है कि मैं तुझ पर दया करूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं तेरे साथ रहकर मैं तेरी सहायता करूंगा। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, यर्मिया इस बात को समझ नहीं पा रहा था और यही कारण था कि वो ईश्वर के अनुग्रह से वंचित था, वो चंगाई नहीं पा रहा था क्योंकि वो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में असमर्थ था। कुछ ऐसी ही बात हम पढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों, यर्मिया नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13 और उससे आगे। यर्मिया नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13 और उससे आगे। क्यों इजरायली जनता, क्यों प्रभु के चुने हुए लोग ईश्वर की आशीषों और बरकतों से वंचित थे? क्यों उनके घराने ब्लेस नहीं थे? क्यों उनकी संपत्ति पर आशीर्वाद नहीं था? तो प्रभु उन पर उन्हें याद दिलाता है। पद संख्या 9 में आपके लिए पढ़ूंगा, पहले प्रभु ये कहता है मैं तुम लोगों पर दोष लगाऊंगा, तुम पर और तुम्हारे पुत्रों के पुत्रों पर। कित्ती जाति के द्वीपों को जाकर देखो, केदार प्रदेश में दूत भेजकर यह पता लगाओ कि क्या वहां कभी ऐसी बात हुई है, क्या कभी किसी राष्ट्र ने अपने देवताओं को बदला है? और वे तो देवता है ही नहीं किंतु मेरी प्रजा ने अपने ऐश्वर्यमय ईश्वर के बदले निस्सार देवताओं को अपनाया, इसलिए परमेश्वर इसराइलियों से नाखुश हो गया। कहता है तुम कित्ती जाति के लोगों को जाकर देखो, क्या उन्होंने अपने कभी कुल देवताओं को बदला है? क्या उन्होंने कभी किसी अन्य व्यक्ति की पूजा की? लेकिन मेरी प्रजा ने अपने ऐश्वर्यमयशाली ईश्वर को त्याग दिया, इन्होंने निस्सार देवताओं को अपनाया, उनकी पूजा की, किंतु वे तो देवता है ही नहीं। आगे लिखा हुआ है आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित होकर कांप उठे, यह प्रभु की वाणी है। मेरी प्रजा ने दो अपराध कर डाले, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता है। इंसान की यह हकीकत है, इंसान की यह हकीकत है। परमेश्वर का वचन याद दिला रहा प्यारे भाइयों और बहनों कि प्रभु के चुने हुए लोगों ने दो पाप कर डाले, और पहला यह था कि उन्होंने अपने प्रभु ईश्वर को संजीवन जल का जो स्रोत है उसे उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया, उसकी बात नहीं मानी, आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और उन्होंने अपने लिए ऐसे रस कुंड बनाए हैं जिनमें दरारें हैं, और यही कारण है परिवार में आशीर्वाद नहीं ठहरता, यही कारण है बरकत आती है लेकिन रुकती नहीं है, यही कारण है पैसा आता है लेकिन उस पर आशीर्वाद नहीं ठहरता नहीं घर में, क्योंकि वो ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है। आगे लिखा है पद संख्या 19, यर्मिया नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 19, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना
तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है, यह सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मेरी प्रजा ने दो अपराध कर डाले, दो अपराध कर डाले, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे रसकुंड बनाए जिनमें दरारे हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए परमेश्वर का दुख कितना है। अब परमेश्वर क्या करेगा, कैसे आशीर्वाद देगा? आशीष देता है, लेकिन हमने आशीषों के भंडारों को ऐसा बनाया हुआ है जिनमें वो ठहरती नहीं है। आप मेहनत करते, लाकर जमा करते, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि बरकत नहीं है ईश्वर की। और परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों से याद दिलाता है, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 15 में मैंने आपके लिए पढ़ा, पद संख्या 19 में, कि तुम मेरी जीभ बनोगे प्रभु के, तुम्हारे मुख पर मैं अपने वचनों को रख दूंगा, तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो तुम मेरे प्रवक्ता बन जाओगे, तुम मेरे प्रवक्ता बन जाओगे। इसलिए आप जो विश्वासी हैं, ध्यान रखें कि आपकी जीभ आशीर्वाद का कारण बने लोगों के लिए, ना कि लोगों को गिराने के लिए, ना कि लोगों को निंदा करने के लिए। क्योंकि बाइबल ये कहती है, आशीर्वाद और अभिशाप दोनों तुम्हारी जीभ के अधीन हैं। आशीर्वाद और अभिशाप दोनों तुम्हारी जीभ के अधीन हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, शब्दों में बहुत सामर्थ्य है। यदि वो अधिकार के साथ बोले गए हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर उसको आशीष प्रदान करता है। इसलिए जब यीशु मसीह ने अधिकार के साथ शब्द बोले और लाजरस जो 4 दिन का कब्र में मोया हुआ था, उसने पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया और यीशु ने उसे जोर से बुलाया, लाजरस बाहर आ जाओ। लाजरस बाहर आ गया। उसमें अधिकार था, उसके शब्दों में जीवन था, उसके शब्द आशीर्वाद का और उद्धार का कारण बन गए। उनके शब्दों के द्वारा लाजरस जो मृत था उसे जीवन मिल गया और लोग उसकी महिमा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम विश्वासियों को ये चाहिए कि हमारी कथनी और करनी में दोनों में समानता हो। जो आप बोलते हैं उसे आप करें भी और उसे विश्वास में प्रकट करें। क्योंकि बाइबल ये कहती है, याकोब के ग्रंथ अध्याय 1:26 में, यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है परंतु जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता तो अपने को धोखा देता है और आशीषों से वो वंचित रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय 1:26, जिनके पास बाइबल है खोल लें, अन्यथा आप नोट करें और बाद में घर में जाकर आप पढ़ें। यदि कोई अपने को धार्मिक मानता किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे और याद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। याकूब का पत्र, याकूब का अध्याय 1:26, यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सुन लीजिए ध्यान से कि बाइबल क्या कहती है। यदि कोई अपने को धर्मी मानता है, प्रभु का दास मानता, प्रचारक मानता, उसका अनुयायी मानता, लेकिन यदि जीभ पर नियंत्रण नहीं है, यहां से निकलकर बाहर यदि गाली देता, निंदा करता है तो वो अपने को धोखा देता है, किसी को धोखा नहीं देता है,
वो अपने को धोखा देता है और आगे लिखा है उसका धर्माचरण व्यर्थ है। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना, ये धर्माचरण है, ये धार्मिकता है, ये आध्यात्मिकता है, ये प्रभु का प्रेम है जिसमें मैं और आप बढ़ते और आगे चलते हैं। अब यिर्मयाह नबी ने अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखा, उसने अपने को ही धोखा दिया। वो माँ के गर्भ को कोसने लगा, ईश्वर की आज्ञाएं उसे यूं ही प्यारे भाई और बहनों लगने लगी। वो सोचने लगा कि अब ये कैसे होगा और कहने लगा कि तू तो मेरे लिए अविश्वसनीय नदी के जैसा है जिसमें सदा पानी नहीं रहता, मेरी पीड़ा का अंत नहीं होता है। और प्रभु उसे याद दिलाता है, यिर्मयाह याद कर कि तूने अपने मां के गर्भ को नहीं परंतु तूने मुझे जिसमें कि मैं उस गर्भ में उस संतान को उत्पन्न करता जीवन देता तूने उसको कोसा है। तूने अपनी मां को नहीं कोसा, इसलिए प्रभु उससे नाराज था। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए बाइबल हमें बताती है कि निरर्थक बातें ऊट पटांग बातों को अपनी जिंदगी में करने से हम आशीर्वाद को खो देते हैं और हमारे जीवन में आशीर्वाद नहीं ठहरता है। आगे संत पौलुस याकूब के पत्र में लिखता है और इस जीभ की विशेषता के विषय में बताता है। हमारी जीभ तलवार से भी अधिक तेज है, कुछ ऐसा ही बाइबल में लिखा है। सुनिए ध्यान से, याकूब का पत्र अध्याय 3 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भाइयों, आप लोगों में बहुत लोग गुरु ना बने, आप लोगों में बहुत से लोग गुरु ना बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। आपसे ज्यादा मुझसे कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। जो आपको ये वचन सुनाता, रोज आपको शिक्षा देता है। आगे लिखा है, हम सब बारंबार गलत काम करते हैं, जो कभी गलत बात नहीं कहता वो पहुंचा हुआ मनुष्य है। सुनिए ध्यान से, जो कभी गलत बात नहीं कहता वो पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जहाज का उदाहरण लीजिए, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरक अग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले जलचर, जीव जंतु सब के सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को अपने वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राण घातक विष से भरी हुई है, प्राण घातक विष से भरी हुई है। हम उस प्रभु से, अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुख से स्तुति भी निकलती और अभिशाप भी। मेरे भाइयों बहनों, ये उचित नहीं है। एक ही मुख से, एक ही जुबान से अभिशाप भी निकलते हैं, आशीर्वाद भी निकलते और स्तुति भी निकलती है। और संत पौलुस याकूब को लिखता है, मेरे भाइयों यह उचित नहीं है।
क्या जल स्रोत की एक ही धारा से मीठा पानी भी निकलता है और खारा पानी भी? क्या अंजीर के पेड़ पर जैतून लगते हैं या दाखलता पर अंजीर? खरे जल स्रोत से भी मीठा पानी नहीं निकलता, ये प्यारे भाइयों और बहनों संत पौलुस हमें समझाता है। अब जरा विचार कीजिए कि मैं और आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में आशीष ठहरे, हमारी जिंदगी में हमेशा आशीर्वाद आते रहे, उन्नति होती रहे, लेकिन संत पौलुस पवित्र बाइबल में हमें यह समझाता है कि क्या एक ही जीभ से स्तुति आराधना गाली गलौज आशीर्वाद अभिशाप ये निकलना उचित है? आप बताइए क्या यह उचित है या नहीं उचित है? नहीं उचित है ना। तो वही आज हमारी जिंदगी में आशीष लाने का कारण यह है कि अपनी इस जुबान को नियंत्रण में रखें, क्योंकि बाइबल ये कहती है आज तक ऐसा हुआ नहीं, घोड़े खच्चरों जीव जंतुओं को लगाम लगाकर रोका जा सकता है लेकिन मनुष्य आज तक अपनी जुबान को लगाम नहीं लगा पाया। इसलिए इसका ध्यान देना प्यारे भाइयों और बहनों अत्यंत आवश्यक है। इसलिए बाइबल हमें कहती है पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 लिखा हुआ है, जो जीवन को प्यार और सुख शांति देखना चाहता है वो ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। बोलिए आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10, जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है वह ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें, वह बुराई से दूर रहे, भलाई करे, शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कीजिए उन क्षणों के लिए जब मेरे मुख से ढिटाई के शब्द निकले, बुराई के शब्द निकले, जब मैंने निंदा की, मुझे क्षमा कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, स्पष्ट रूप से बाइबल हमें बताती है परमेश्वर अधर्मियों से कुकर्मियों से जो कुकर्म करता है, जो धोखा देता है, जो निंदा करते उनसे अपना मुख फेर लेता है, ऐसे व्यक्ति प्रभु से आशीर्वाद की आशा ना रखें। जब तक कि आप संपूर्ण हृदय से प्रायश्चित करके प्रभु के सामने नतमस्तक ना हो जाएं, ये आशीर्वाद हमारी जिंदगी में नहीं ठहरेगा। और प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर उसका दंड अवश्य हमें देगा और हम उस दंड के भागी बनेंगे। अंत के दिनों का जो अधर्म है ये बहुत ज्यादा है। अगर हम अपने पास पड़ोस में, अपने आसपास में, अपने समाज में एक निगाह डाल कर देखें, तो आज बुराई का जो बोलबाला है लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पवित्र बाइबल इसके विषय में हमें समझाती है। तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, तुम निश्चित रूप से यह जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ जाएगा, और यह संकटपूर्ण समय है। इसलिए बच्चे माता पिता के खिलाफ है, पति पत्नी के खिलाफ है, माँ बेटे के खिलाफ है, बेटी बाप के खिलाफ, बेटी माँ के खिलाफ, देश देश के खिलाफ, समाज में शोषण है, अत्याचार है, बुराई का बोलबाला है। और इन बातों को बाइबल, प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज से ये 2000 वर्ष पहले लिखी गई प्रभु की बातों को इसमें बताया गया, पवित्र आत्मा से प्रेरित ये वचन
उन दिनों में लिखा गया और ये हमें बताता है कि अंत के दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा और आ ही गया है। हम इससे अछूते नहीं है। सुनिए ध्यान से, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 और उससे आगे। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाला, अहंकारी, पर निंदक होगा। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, उनमें कृतज्ञता नहीं, भक्ति प्रेम दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर होंगे, असंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी होंगे। अब बताइए, बाइबल इस बात को स्पष्ट करती, क्या ये दिन बुरे नहीं है? इसलिए संत पौलुस समझाता है अफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में, ये दिन बुरे हैं, आप लोग वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। वर्तमान समय मतलब अभी जो आप जिसमें हैं, ये वर्तमान समय है, आप प्रभु का कलाम सुन रहे हैं, प्रभु आपको समझा रहा है, इसका लाभ उठाएं। प्रभु आपसे कह रहा है अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, इसे शुद्ध रखो, इसे कपटपूर्ण बातें ना बोलने दो, अपने होठों को बुराई ना बोलने दो और मैं तुम्हें अपना प्रवक्ता बनाऊंगा। तुम अपने शब्दों को वापस लो। किसी का दिल दुखाया, किसी का मारा काटा, या किसी को तुमने हत्या की, किसी को लूटा, किसी को ठगा, उसे वापस करो, जकेउस के जैसे, और तुम में जीवन आ जाएगा, शांति आ जाएगी, उद्धार आ जाएगा। काश प्यारे भाइयों और बहनों ये दुनिया पवित्र शास्त्र की इन बातों को समझ पाती और प्रभु के नजदीक फिर से आ जाती। इसलिए बार बार बाइबल हमें याद दिलाती है प्यारे भाइयों और बहनों कि आशीष पाने का एकमात्र जो स्रोत है, एकमात्र जो रास्ता है, वो है परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना, उस पर मनन चिंतन करना और उसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर है। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है। नौजवान बेटे और बेटियां, बुजुर्ग माता पिता, दंपति, नवविवाहित लोग, ये वचन आपके लिए निरे शब्द नहीं है। इन पर आपका जीवन निर्भर है और इन्हीं वचनों के द्वारा आप अपनी जिंदगी में उस आशीष को अनुभव करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आराधना में बहुत लंबा समय बिताया, साधनाओं में बड़ा लंबा समय बिताया, बहुत सारे भंडारे लगाए, बहुत सारा दान दक्षिणा दी, बहुत सारे ऐसे काम किए सेवा के, लेकिन फिर भी आशीष नहीं ठहरी। क्यों? क्योंकि जीवन नहीं बदला, क्योंकि जीवन नहीं बदला। हमने अपने मन को खुश करने के लिए ऐसे तमाम काम किए लेकिन अपने जीवन को नहीं बदला। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप जो है मेरे और आपके परिवारों में, जिंदगियों में आता गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अब मैंने कहा कि हमारी जिंदगी में ये समस्याएं क्यों ठहरती हैं, क्यों रुकती हैं, क्योंकि हम प्रायश्चित करने में असमर्थ हैं। अब ये परमेश्वर क्यों आने देता है? Our God is a jealous God. हमारा परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों बहुत ज्यादा सामर्थवान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमें आशीर्वाद प्रदान करता, लेकिन इसी के साथ साथ वो हमारा न्याय भी करता है। यहां पर निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता जो मुझसे बैर करते हैं। मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। सुन रहे हैं आप? थोड़ा और पहले पढ़ेंगे हम ईश्वर की 10 आज्ञाओं के विषय में। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से मैं पढ़ूंगा ताकि और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। ईश्वर ने मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुमको मिस्र देश से, गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देवमूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे जल में रहने वाले
किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ, उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं हजार पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं हजार पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। जो व्यर्थ ही प्रभु अपने ईश्वर का नाम लेता है, परमेश्वर उसे दंडित करेगा। आगे लिखा, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। सप्ताह में 7 दिन हैं, 6 दिन परमेश्वर ने आपके लिए दिए, लेकिन 7वें दिन उसने आपसे ये गुजारिश की कि उसका दिन पवित्र रखा जाए, उसके वचन का ध्यान मनन किया जाए, उसकी शिक्षा को लोगों को सुनाया जाए, जिससे कि ये शिक्षा के द्वारा लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाए। आगे सुंदर वचन है, तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में आशीर्वाद का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए, ना तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सब बनाया, और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे कि तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी का और ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो प्यारे भाइयों और बहनों, जान लीजिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में जो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा, अध्याय 2 पद संख्या 14 और उससे आगे, कि उन्होंने अपने लिए ऐसे रसकुंड खोद लिए जिनमें दरारें हैं, अब उनमें बरकतें नहीं रुकती, आशीर्वाद नहीं ठहरता, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। बाइबल स्पष्ट करती है, सप्ताह में 6 दिन तुम्हारे लिए, 7वां दिन ईश्वर के लिए। ईश्वर के लिए क्या करना? उस दिन उसका नाम सिमरिए, उसके नाम का सिमरन कीजिए, उसके वचन का पाठ कीजिए, बच्चों को पढ़कर इसे सुनाइए, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। ये भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें आशीर्वाद के रूप में आशीष प्रदान करता है। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता और ईश्वर का आदर नहीं करता, तो लिखा है गणना ग्रंथ में अध्याय 14 पद संख्या 18, गणना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 18 और उससे आगे, प्रभु देर से क्रोध करता और अनुकंपा का धनी है, वह अपराध और विरोध क्षमा करता है, किंतु वह कोई पाप अनदेखा नहीं करता, और पूर्वजों के अपराधों का दंड तीसरी चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को देता है। क्या कह रही है पवित्र बाइबल? क्या कह रही है पवित्र बाइबल? कि परमेश्वर देर से क्रोध करता है, लेकिन अनुकंपा का धनी है, दया का धनी है। कोई उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाता, आंसू बहाता, माफी मांगता, प्रायश्चित करता, तो परमेश्वर उस पर दया करता और देर से क्रोध करता है। उसकी दया अपार है, उसकी दया का अंत नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ बाइबल ये कहती है, वो किसी का पाप अनदेखा नहीं करता। क्यों?
अगर आप प्रकाशना ग्रंथ पढ़ें तो बाइबल ये कहती है अध्याय 21 में कि कोई भी अपवित्र वस्तु जो पाप में है व्यक्ति या पाप में है या पाप से ग्रसित है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती, उसे शुद्ध होना अनिवार्य है, उसे पवित्र होना अनिवार्य है। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन हमें यह समझा रहा है कि परमेश्वर कोई भी पाप अनदेखा नहीं करता, वो अपने विश्वासी को, शागिर्द को, भक्त को मौका देता है कि वह अपने गुनाहों के लिए प्रायश्चित करे, उसके लिए माफी मांगे, वह शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, जिससे कि वह स्वर्ग राज्य में स्थान पा सके। और इसी के साथ यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो बाइबल कहती है कि वह कोई भी पाप अनदेखा नहीं करता और पूर्वजों के अपराधों का दंड तीसरी चौथी पीढ़ी तक उसकी संतति को देता है। इसलिए मेरे और आपके लिए यह वचन प्यारे भाइयों और बहनों ऐसे हैं जैसे कि हम कड़वे घूंट पीने वाले इंसान हो। यह वचन निरे शब्द नहीं है, अगर हम इसे खाएंगे तो ये हमें स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ाएंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसलिए अगला वचन क्षमा और दंड के विषय में जब बात की जाती है तो लिखा है इस पर प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें क्षमा करता हूँ। मेरे अस्तित्व की शपथ, समस्त पृथ्वी में व्याप्त प्रभु की महिमा की शपथ, जिन लोगों ने मेरी महिमा और मिश्र तथा मरुभूमि में मेरे चमत्कार देखे हैं, किंतु जिन्होंने मेरी अवज्ञा करते हुए 10 बार मेरी परीक्षा ली उनमें से एक भी उस देश के दर्शन नहीं करेंगे जिसे मैंने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। कहता है अगर तुम मेरी परीक्षा करते हो, अगर तुम मेरी शपथ की प्रतिज्ञा जो मैंने तुमसे की उसकी अगर तुम परीक्षा करते हो तो मैं तुम्हें उस देश में नहीं जाने दूंगा जिसकी मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ प्रतिज्ञा की थी। तब प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा मैं कब तक इस दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इसराइलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूं, उन्हें यह बता दो प्रभु ये कहता है अपने अस्तित्व की शपथ मैं तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। रोज मूसा के पास लोग आकर शिकायत करते थे हमें खाने को नहीं मिलता, हमें पीने को नहीं मिलता, हमारे रहने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास भोजन नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं इनकी शिकायतें सुन सुन के ओ मूसा ओ हारून मैं थक गया हूँ, मैं इनके साथ क्या करूँ, मिस्र की गुलामी से इन्हें छुड़ा कर लाया हूँ, क्या अब भी ये समझते नहीं मैंने इतने चमत्कार दिखाए, क्या अब भी ये समझते नहीं मैंने फिरौन की सेना को मारा, उसके रथों को मैंने पानी में डुबा दिया, उसके रथ के पहिए निकल गए, मैंने बादल के खंभे के रूप में उनकी अगुवाई की, लेकिन फिर भी ये नहीं समझते। अब मैं शपथ पूर्वक ये कहता हूं, आगे लिखा है कि मैंने तुम लोगों की जो बातें तुमको कहते हुए सुना है उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा, किसी दूसरी बात के साथ नहीं, किसी दूसरी बात से नहीं, परंतु मैं तुम्हारी बातों के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हे प्रभु यीशु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे परिवार को क्षमा कीजिए, माता पिता को क्षमा कीजिए, हमारे पूर्वजों को क्षमा कीजिए, अज्ञानता के कारण जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई हैं, हे प्रभु यीशु हम क्षमा मांगते हैं, हमारे कामकाज को, खेत खलियानों को, हमारी संस्थाओं को, हमारे दफ्तरों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी के साथ जब हम इस बात को सुनते हैं कि प्रभु ये कहता मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक तुम्हारी संतति को मैं क्या करूंगा, दंड दूंगा, ये जो पारंपरिक समस्याएं और पाप हमारा जो पीछा करने लगते हैं इनकी वजह से इंसान आशीषों से वंचित रहता है।
और इन ट्रांसजेनरेशनल समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है माता पिता का अनादर, माता पिता का अनादर। परमेश्वर के 10 हुक्मों में एक हुक्म था कि तू अपने माता पिता का आदर कर। और इस विषय में बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों, लेवी ग्रंथ, जिनके पास बाइबल है खोले, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 20:9, लेवी ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 9 और उससे आगे। सुंदर वचन है, इस वचन को हम पढ़ेंगे और इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। यदि कोई अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप देगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। यदि कोई अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप देगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। उसने अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप दिया, इसलिए उसका रक्त उसके सिर पड़ेगा। यदि कोई पुरुष किसी की पत्नी और पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करे तो व्यभिचारी और व्यभिचारिणी को प्राण दंड दिया जाएगा। यदि कोई अपने पिता की किसी पत्नी के साथ व्यभिचार करे तो वह अपने पिता का अनादर करता है, दोनों को प्राण दंड दिया जाएगा, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पुत्र वधु के साथ व्यभिचार करे तो दोनों को प्राण दंड दिया जाएगा, उन्होंने घृणित पाप किया, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। यदि कोई किसी स्त्री की तथा किसी पुरुष के साथ प्रसंग करे तो दोनों घृणित पाप करते हैं, उनको प्राण दंड दिया जाएगा, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। यदि कोई किसी स्त्री और उसकी माता दोनों के साथ विवाह करे तो यह घृणित पाप है, उस पुरुष और दोनों स्त्रियों को आग में जलाया जाएगा। इस प्रकार का कुकर्म तुम लोगों में नहीं रहेगा। ये परमेश्वर की आदेश थे, इसराइलियों को ये आदेश थे कि तुम इसराइलियों से ये कहोगे कि इस प्रकार के घृणित पाप वे लोग नहीं करेंगे, वे विचार से दूर रहेंगे, बल्कि माता पिता का आदर करेंगे, ईश्वर का दिन पवित्र रखेंगे। आगे लिखा है, यदि कोई पशु गमन करे तो उसे और पशु को दोनों को मार दिया जाएगा। यदि कोई स्त्री किसी पशु के साथ प्रसंग होने दे तो उसे और पशु दोनों को मार दिया जाएगा, उन्हें मारना है, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। यदि कोई पुरुष अपनी बहन के साथ विवाह करे, चाहे वह उसके पिता की पुत्री हो चाहे उसकी माता की, और वे प्रसंग करें तो दोनों को लोगों के सामने मारना है, उसने अपनी बहन का अनादर किया और वह दोषी है। जब इस तरह का पाप, इस तरह का कलंक समाज में, परिवार में जब बढ़ता गया तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर इससे नाराज हो गया। सोदोम और गोमोरा में क्या हुआ? यही हुआ, वहां पर लोग सोडोमिस थे, मनुष्य मनुष्य का उपभोग करने लगा, स्त्री स्त्री का और पुरुष पुरुष का, पशुओं के साथ गमन करने लगे, और परमेश्वर इस बात से खासा नाराज था, और इसलिए उसने सोदोम और गोमोरा के ऊपर आग और गंधक बरसाई और उसे प्यारे भाइयों और बहनों निर्मूल कर दिया, उसका अस्तित्व मिटा दिया, उसका अस्तित्व मिटा दिया। इसलिए यदि इस प्रकार के घृणित पाप प्यारे भाइयों और बहनों इंसान के परिवार में, उसकी जिंदगी में है, तो ये पाप सदियों से लेकर पीढ़ियों तक उनका पीछा करता रहता है, उनकी संततियों का पीछा करता रहता है, यदि उसके लिए प्रायश्चित नहीं किया गया हो। इसलिए बार बार ये बताया गया है कि कौटुंबिक व्यभिचार से आप सावधान रहें, कौटुंबिक व्यभिचार से आप सावधान रहें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 सुंदर उदाहरण है माता पिता के आदर करने का, और जो ऐसा नहीं करता है वो अपनी जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों तमाम कष्टों से गुजरता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, पुत्रों और पुत्रियों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। किस चीज में कल्याण है? पालन करने में, पिता की आज्ञा मानने में आपका कल्याण है।
माँ की आज्ञा मानने में आपका कल्याण है। छोटे बच्चे, नौजवान युवक और युवतियां, माता पिता का आज्ञा का पालन करने में आपका कल्याण है। जो उन पर हाथ उठाता है वो प्रभु को कतई प्रिय नहीं है, वो प्रभु प्यारे भाइयों और बहनों उन्हें अवश्य दंडित करेगा। आगे लिखा है, पिता पर श्रद्धा रखने से इंसान पापों का प्रायश्चित करता है। पिता पर श्रद्धा रखने पर इंसान अपने पापों का प्रायश्चित करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता उसे अपनी संतान से सुख मिलेगा, ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा। पद संख्या 7, पिता का आदर दीर्घ आयु प्रदान करता है। पद संख्या 15, उनका मन यदि दुर्बल हो तो स्वास्थ्य की उमंग में उनका अनादर ना करें। पद संख्या 18, पिता का त्याग करना ईश निंदक के बराबर है। पिता का त्याग करना ईश निंदक के बराबर है। और इतना ही नहीं, गलातियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 10, जो संहिता के नियम का पालन नहीं करता वो भी श्रापित है। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन जो आज सुनाए जा रहे हैं, अगर इनको कोई सुनकर इनका पालन नहीं करता तो बाइबल कहती है वो श्राप के अधीन है, वो अभिशाप के अधीन है, आशीर्वाद से वंचित है, महिमा से वंचित है। उसकी जिंदगी में, उसके परिवार में कभी भी आशीर्वाद नहीं ठहर सकता। इसलिए सावधान रहें, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें और परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। बोलिए आमेन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 तो अब इसका सुधार कैसे करना है, इसके सुधार के लिए कुछ वचन मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि यदि परिवार में, जिंदगी में, व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार का कोई कुकर्म आपका पीछा कर रहा है तो इस तरह से आप प्रायश्चित करें और परमेश्वर की आशीष मांगें। नबी नहम्या का ग्रंथ, नबी नहम्या का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 और उससे आगे, सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 नबी नहम्या का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 और उससे आगे, इसी महीने के 24वें दिन इज़राइली टाट ओढ़ें और सिर पर राख डालें, सामूहिक उपवास करने के लिए एकत्र हुए। इज़राइली सब परदेशियों से अलग हो गए। उन्होंने खड़े होकर प्रभु के सामने अपने और अपने पूर्वजों के अपराध स्वीकार किए। क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, प्रभु के सामने खड़े होकर उन्होंने अपने गुनाहों के लिए अपने बाप दादा, परदादा और अपने पूर्वजों के पापों और गुनाहों के लिए सिर पर राख और भस्म रमाकर टाट ओढ़कर प्रायश्चित किया और प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार किया। उन्होंने एक पहर तक प्रभु अपने ईश्वर की संहिता का पाठ किया। उन्होंने एक पहर तक, एक पहर तक, दिन में 4 पहर हैं प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने एक पहर तक ईश्वर की संहिता का पाठ किया। दिन के दूसरे पहर में वे अपना अपराध स्वीकार करते और प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करते थे। दिन में एक पहर वो क्या करते थे, अपने अपराधों को स्वीकार करते थे और ईश्वर की उपासना करते थे। और उनमें बहुत सारे नाम दिए गए, लिखा है योशुआ, बानी, कदमियल, शबन्या, बुन्नी, शरेबिया, बानी और कनानी,
ने लेवियों के मंच पर खड़ा होकर ऊंचे स्वर से प्रभु अपने ईश्वर की दुहाई दी। इसके बाद योशुआ, कदमियल, बानी, हशबन्या, शेरेबिया, होदिया, शबन्या और पतैया लेवियों ने कहा, उठो प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो, जो सदा सर्वदा धन्य है, तेरा महिमामय नाम धन्य है, वो समस्त गुणानुवाद और स्तुति के परे है। और एज्रा ने कहा, तू ही प्रभु है, कोई दूसरा नहीं, तूने आकाश, सर्वोच्च आकाश और तारागण बनाया, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है, समुद्र और उनमें जो कुछ है, तू सबको जीवन प्रदान करता, विश्व मंडल तेरी आराधना करता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो खानदानी पश्चाताप करने का एक तरीका, खानदानी पश्चाताप करने का एक तरीका, घर के खानदान के सभी बुजुर्ग, सास बहु, नाती पोते, बेटे बेटियां मिलकर प्रभु के सामने उपस्थित होकर उसकी संहिता का पाठ करना, अपने पूर्वजों और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगना, और जैसे एज्रा ने कहा, तू सर्वशक्तिमान है, तू सदा सर्वदा युगान युग जीता है, आकाश पृथ्वी सब कुछ तेरा है, तूने इन सब को बनाया है, हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। अगले वचन में सुंदर बातें प्यारे भाई और बहनों, नहेम्या लिखता है अध्याय 9 पद संख्या 17, उन्होंने तेरी बातों की उपेक्षा की। देखिए अब क्या कहता है वो प्रभु से, एज्रा नबी लोगों की ओर से ईश्वर से बातें कर रहा और कह रहा है, हे प्रभु इन पर दया कर, हे प्रभु धमोला वासियों पर दया कर, हे प्रभु बरेली के लोगों पर दया कर, हे प्रभु इन तमाम जातियों पर दया कर। क्यों? क्योंकि उन्होंने तेरी बातों की अपेक्षा की, उन्होंने उन चमत्कारों को भुला दिया जिन्हें तूने उनके लिए दिखाया था, वे हटी बने रहे, उन्होंने उसका विरोध किया, उन्होंने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया, उन्होंने अपनी गुलामी के देश वापस जाने का निश्चय किया, परंतु तू एक क्षमाशील, करुणामय और दयालु ईश्वर है, तू देर से क्रोध करता, सत्य प्रतिज्ञता का धनी है, तूने उनका त्याग नहीं किया, तू इन्हें क्षमा कर, तू इन्हें क्षमा कर। घर का मुखिया, घर का बाप, घर का बुजुर्ग, घर का जो बड़ा व्यक्ति है, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के सामने घुटना टेके प्रार्थना करे और कहे कि मेरी इन संतानों को, मेरे नाती पोतों को, मेरे सभी बेटे बेटियों को और मेरे बच्चों को प्रभु क्षमा कर, क्योंकि ये हट धर्मी बने रहे, तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तेरे हुक्मों पर ये नहीं चले, इसलिए अब इनकी जिंदगी में ये अभिशाप रुके हुए हैं, आशीषें ब्लॉक हैं, आशीषें आ नहीं रही, आशीर्वाद उतर नहीं रही, बच्चे गैर जातियों में जाकर विवाह करते और अन्य जातियों के साथ प्यारे भाइयों और बहनों अपने आप को अपवित्र कर लेते हैं, इसलिए प्रभु आप इन्हें क्षमा कीजिए। इस तरीके से एज्रा नबी प्रार्थना कर रहा था प्रभु के लोगों के लिए। और आज जब हम ये वचन सुन रहे हैं तो प्रियजनों, ये वचन मेरे और आपके लिए जीवनदायी वचन है, आनंद देने वाले वचन है, हमारे जीवन को, परिवार को, खानदान को आशीषों से भरने वाले वचन है। इसलिए दानियल नबी के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, हमारे अपने पापों के कारण और हमारे पूर्वजों के अपराधों के कारण यरूशलम और तेरी पवित्र प्रजा सब पड़ोसी देशों में उपहास का पात्र बन गई है। सुन रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा आप लोगों को वचन? आप लोग जो मुझे ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से सुन रहे हैं, दानियल नबी का ग्रंथ अध्याय 16 पद, अध्याय 9 पद संख्या 16, हमारे अपने पापों के कारण, हमारे पूर्वजों के अपराधों के कारण यरूशलम और तेरी चुनी हुई प्रजा क्या बन गई है? पड़ोसी देशों में उपहास के पात्र बन गई है। इसलिए प्रभु हम पर दया कर और इन्हें
सारे अभिशापों से मुक्त कर दे। बोलिए आमेन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, क्षमा करने वाले प्रभु हैं, हमें आशीष दीजिए जिससे कि हम लोग तेरे सानिध्य में सदा बने रहें। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन से हर प्रकार का बंधन टूटे, हम पर दया कीजिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवार को, हमारे कामकाज को, बिजनेस को, सेवकाई को, हर प्रकार के बंधन से आजाद कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे इस वक्त, हम प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। हर प्रकार का बंधन टूटे। आज इंसान की जिंदगी में अनेक प्रकार के बंधन हैं। नशे के बंधन से वो पीड़ित है, नशीले पदार्थों के सेवन से अपने आप को वो नष्ट करे जा रहा, एडिक्शन से पीड़ित है, अश्लीलता के बंधन से, लालच के बंधन से, आलसीपन के बंधन से, निराशा, शोक के बंधन, नकारात्मकता, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, अनेक प्रकार के भूत प्रेतों की साधना, जादू टोने का बंधन, रोग बीमारी के बंधन और ऐसे तमाम बुराइयां जो जिंदगी में हैं, इस वक्त प्रभु के हाथों में सौंप दें। निंदा करने के बंधन से अपने आप को आज़ाद करें। हाथों को जोड़ें, प्रार्थना करें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, समर्पित हो जाएं, अपने पूरे परिवार को समर्पित करें। और इस वक्त हम रूह की आग के शोलों के लिए प्रार्थना करें कि वो हम पर उतरें, हमें शुद्ध करें, हमारी हर एक बुराई का अंत करें और प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आमेन।